हेलो फ्रेंड्स, खाजा पिज़्ज़ा में आप सबका स्वागत है। आज हम स्वीट कॉर्न सूप बनाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए पहले जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं ये ली हूँ 1 कप स्वीट कॉर्न और ये 1/2 कप पानी ली हूँ। इन दोनों को हम पहले पीस लेंगे। और हमको बाकी क्या क्या चाहिए, ये मैं ली हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन, मैं छोटा छोटा बारीक काट ली हूँ, और 1 टेबल स्पून अदरक है, इसको मैं ग्रेट कर ली हूँ। ये कैरेट ली हूँ मैं 1 कप, इसको भी ग्रेट कर ली हूँ छोटा छोटा। ये कोरिएंडर का स्टेम ली हूँ, ये भी 2 टेबल स्पून ली हूँ, इसको भी बारीक चॉप कर ली हूँ। और हम 1/2 कप ये स्वीट कॉर्न लेंगे, जो कि मुँह में लगेगा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून। ये मैं कॉर्नफ्लोर ली हूँ 6 टेबल स्पून। ये चिली सॉस हम लेंगे 2 टेबल स्पून। ये विनेगर ली हूँ मैं 4 टीस्पून ली हूँ, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। और स्प्रिंग ओनियन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये धनिया पत्ता ली हूँ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो 1 कप स्वीट कॉर्न लिए थे, इसको और 1/2 कप पानी दोनों मिला के पीस लेते हैं। तो ये मैं स्वीट कॉर्न को पानी देके पीस ली हूँ। तो अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं, फिर हम सूप बना लेंगे। तो ये हमारा कढ़ाई गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। ये शायद मैं बोलना भूल गई थी, इसमें 1 टेबल स्पून तेल हम गरम कर लेते हैं। ये तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें जो अदरक और लहसुन बारीक काट के रखे थे, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 1/2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इसको हमको लाल नहीं करना है, बस तो 1/2 मिनट के लिए सॉटे करना है। अब इसमें हम जो कैरेट लिए थे, कैरेट को डाल देंगे। अब इसको हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। आंच को मैं मीडियम पे रख ली हूँ। ये कैरेट हमारा 1/2 फ्राई हो गया है, अब इसमें हम जो ये कोरिएंडर स्टेम लिए थे, इसको डाल देंगे। इसको हम इसीलिए डाल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर रहता है। अब इसको भी मिला के 1/2 मिनट जैसे फ्राई कर लेते हैं। आंच को मैंने मीडियम से लो रखा है, वरना ये जल जाएगा। तो ये हमारा कैरेट अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम जो 1/2 कप स्वीट कॉर्न गोटा रखे थे, इसको हम डाल के इसको भी 1/2 मिनट जैसे फ्राई कर लेंगे। स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी ही पक जाता है। अब इसको 1/2 मिनट जैसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा 1/2 मिनट हो गया है, अब इसमें हम जो स्वीट कॉर्न का प्यूरी बनाए थे, अब इसको डाल देंगे। इसको मैं थोड़ा सा धो के डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम 6 कप पानी डाल देंगे। तो अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं आंच को तेज कर दी हूँ ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे। अब इसको हम बॉयल आने देते हैं। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है, तब तक हम जो कॉर्नफ्लोर लिए थे, ये कॉर्नफ्लोर को हम 1/2 कप पानी में इसको घोल के रख लेते हैं। ये देखिए माँ, हमारा सूप बॉयल हो गया है। इसके ऊपर जो झाग है, इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे, थोड़ा कड़वा जैसे लगेगा ये, नहीं तो।
अब इसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए ये जो हम कॉर्नफ्लोर घोल के रखे हैं अब इसको इसमें डाल देंगे, हम धीरे धीरे करके डाल देंगे। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो ये सूप हमारा रेडी होने को है। अब इसमें हम जो चिली सॉस लिए थे चिली सॉस को डाल देंगे। और ये जो विनेगर लिए थे इसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो अब यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हैं। तो ये सूप हमारा रेडी हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैं इसको बैलेंस करने के लिए एक टीस्पून जैसे शुगर इसमें डाल दे रही हूँ। ये गरम में मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी जो डाले हैं ये इसमें मिल जाएगा। तो ये हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो हम इसको एक बार मिला लेते हैं फिर इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंकल करके इसको गर्मा गर्म लीजिए। बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। तो मेरे पास तो नहीं है तो मैं ये धनिया पत्ती से गार्निश कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी इसको एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिए। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय।